कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीब कहे जाने वाले नेता अहमद पटेल का बुधवार सुबह निधन हो गया। 71 वर्षीय अहमद पटेल कोरोना संक्रमित थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के पुत्र फैजल ने अपने पिता के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि पटेल ने सुबह करीब 3:30 पर अंतिम सांस ली। अहमद पटेल के निधन से पूरी कांग्रेस में शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पीएम मोदी समेत देश के में कई वरिष्ठ नेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने अहमद पटेल के ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अंतिम इच्छा का जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद पटेल की अंतिम इच्छा थी कि उनके पैतृक गांव हीरामन में दफनाया जाए, जो कि गुजरात राज्य के अंकलेश्वर के पास स्थित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्व सहयोगी में से एक अहमद पटेल उनके राजनीतिक सलाहकार थे। कोषाध्यक्ष रहे पटेल पार्टी के संकट मोचन के रूप में भी जाने जाते थे। उनका निधन ऐसे समय हुआ जब कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान संगठन के भीतर उठा पटक चल रही है, उसमें भी अहमद पटेल अपने आलाकमान के लिए बेशकीमती साबित होते हैं।